Morning students, myself Yasmin from CMIS. Standard 5, subject Hindi grammar, part 8, कारक. ये पार्ट आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, आज मैं फिर से रिवाइज करा रही हैं. आपके बुक में कुछ चित्र दिए गए हैं, चित्र के नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़ो. माँ चाकू से फल काटती है. यह हर्षिता की गुड़िया है. श्री कृष्ण ने कंस को मारा. ऊपर चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में से, ने, को, की आदि ऐसे शब्द हैं जो क्रिया के साथ संज्ञा या सर्वनाम के संबंध को प्रकट करते हैं. शब्दों को आपस में जोड़ने वाले इन शब्दों को कारक चिन्ह कहते हैं. ऊपर के वाक्यों में चाकू, श्री कृष्ण, कंस और हर्षिता कारक हैं. परिभाषा. संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं. कारक के भेद. कारक के 8 भेद होते हैं. कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन. नीचे तालिका में कारक एवं उनके चिन्हों को ध्यान से देखिए. नंबर 1, कारक का नाम. कर्ता कारक. अर्थ, कार्य करने वाला. कारक चिन्ह, ने. नंबर 2, कर्म कारक. अर्थ, जिस पर क्रिया का फल पड़े. कारक चिन्ह, को. नंबर 3, करण कारक. अर्थ, जिस साधन से कार्य किया जाए. कारक चिन्ह, से, के द्वारा. नंबर 4, संप्रदान कारक. अर्थ, जिसके लिए कुछ किया जाए. कारक चिन्ह, को, के लिए. नंबर 5, आपादान कारक. अर्थ, जिससे कुछ अलग हो रहा हो. कारक चिन्ह, से अलग होना. नंबर 6, संबंध कारक. अर्थ, जो संबंध प्रकट करे. कारक चिन्ह, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने. नंबर 7, अधिकरण कारक. अर्थ, जो क्रिया का आधार हो. कारक चिन्ह, में, पर.
नंबर 8 संबोधन कारक अर्थ, जिन शब्दों से संबोधित किया जाए। कारक चिन्ह हे, रे, अरे आदि। कारक का प्रयोग। कर्ता कारक, कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। इसका चिन्ह ने है, जैसे राम ने पत्र लिखा। कुछ वाक्यों में चिन्ह ने छिपा रहता है, जैसे मोहन बाजार जाता है। कर्म कारक, जिस पर कार्य का सीधा प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं। इसका चिन्ह को है, जैसे अध्यापक ने छात्र को बुलाया। कुछ वाक्यों में को चिन्ह भी छिपा होता है, जैसे वह दूध पीता है। करण कारक, जिस साधन से कार्य किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। इसके चिन्ह से के द्वारा है, जैसे वह कलम से लिखती है। वे बस के द्वारा शहर गए। संप्रदान कारक, जिसके लिए कोई कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसके चिन्ह को के लिए है। जैसे अध्यापक ने छात्र को एक कलम दी। मैंने भाई के लिए एक किताब खरीदी। आपदान कारक, जिससे कोई वस्तु अलग होती है उसे आपदान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। वह छत से गिर पड़ा। संबंध कारक, दो शब्दों में संबंध का बोध कराने वाले शब्दों को संबंध कारक कहते हैं। इसके चिन्ह का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने आदि है। जैसे
यह मेरी कलम है। वह भोला की गाय है। अधिकरण कारक क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। इसके चिन्ह में पर है। जैसे बंदर पेड़ पर है, वह कक्षा में पढ़ती है। संबोधन कारक जिसे पुकारा जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसके चिन्ह हे ओ अरे आदि है। जैसे हे प्रभु मेरी रक्षा करो। अरे वैभव चुपचाप बैठ जाओ। विश्लेषण वाक्य की संरचना में कारक का अत्यधिक महत्व है। यदि कारक के यह चिन्ह सही ढंग से प्रयुक्त ना किए जाएं, तो अर्थ प्रतिकूल निकल सकता है। और अर्थ का अनर्थ हो सकता है। जैसे सही प्रयोग मोहन चाकू से सब्जी छीलता है। गलत प्रयोग मोहन चाकू को सब्जी से छीलता है। सार संक्षेप संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे शब्दों से संबंध का बोध कराने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद हैं। कर्ता कर्म करण संप्रदान आपदान संबंध अधिकरण संबोधन कार्य करने वाले को
कर्ता कहते हैं। आज का होमवर्क है कारक का नाम, अर्थ एवं कारक चिन्ह याद करें तथा उसे लिखने का अभ्यास करें। थैंक यू।